फिल्म जगत का एक ऐसा शख्स जिसने हर दौर की कहानियों को अपनी लेखनी से सजाया, अपने निर्देशन से पर्दे पर साकार किया, जिनकी कहानियों में सभी बड़े सितारों ने अपनी अदाकारी दिखाई। सिल्वर स्क्रीन पर 35mm का पर्दा हो या छोटे पर्दे के सीरियल्स, इस लेखक की कलम हर जगह चली, जिनके धारावाहिक ने बॉलीवुड में किंग खान से मशहूर शाहरुख खान को अपनी पहचान दिलाई। हमारी खास पेशकश फिर तेरी कहानी याद आई में हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म निर्देशक और लेखक लेख टंडन की। नमस्कार अहले हिंद, आपको मेरा प्रणाम। आजादी के दौर से ही देश के कई रंग देख चुके लेख टंडन की कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के लाहौर से। निर्माता निर्देशक पृथ्वीराज कपूर और पिता जीएफसी टंडन की दोस्ती के गहरे रंग लेख की लेखनी को फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान दिलाई। मेरे फादर पढ़ने गए थे एडवांस स्टडीज के लिए फ्रॉम आफ्टर 8th क्लास टू खालसा स्कूल लैलपुर। वहाँ उनके दोस्त थे पृथ्वीराज कपूर, साथी थे, डॉर्मेट्री में एक में रहते थे, मेरे अंकल लालचंद, पृथ्वीराज कपूर और उनके अंकल शंभुनाथ जी। अच्छा, इनकी बड़ी गहरी दोस्ती, वो तो एक बहुत लंबी कहानी है। पृथ्वीराज जी तो एक्टर हो गए, मेरे फादर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो गए और वो लोग हम शेखपुरा में शिफ्ट हो गए। पिता और पृथ्वीराज कपूर की दोस्ती की वजह से लेख कपूर फैमिली में हमेशा एक फैमिली मेंबर की तरह ही रहे। लेख उन दोनों स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, पर तब उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उनके अंकल पृथ्वी थिएटर के जाने माने एक्टर और फिल्म स्टार हैं। लेकिन स्कूल के दौरान घटे एक वाकये ने लेख को अंकल पृथ्वीराज की असल पहचान से रूबरू करवाया। ये पहचान कुछ ऐसी थी कि लेख ने जिंदगी में अपना मकसद तय कर लिया। मेरी कोई नीयत नहीं थी ऐसा करने की, वो इसलिए क्यों कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंकल बहुत बड़े एक्टर हैं। हमारे सिटी में, शहर में सिनेमा ही नहीं था। वो तो आते थे, मिलते थे, अंकल आते थे, अंकल जाते थे, ऐसा होता था। मुझे एक दिन पता चला व्हेन आई वाज डिक्लेयर्ड फेल इन मैट्रिक, पृथ्वीराज जी वाज विजिटिंग देयर, तो मैं चाहते जी मैं वो पता करना। वो मुझे फिर कहते चल तू हेडमास्टर के पास ले चले, तो उनको ले चले। वहाँ उन्होंने मास्टर जी के पास जब पहुँचे तो सारे जो लोग बाहर वाले थे खड़े हो गए। पापा मेरे अंकल को देखे, तब मुझे एहसास हुआ मेरे अंकल को सबसे बड़ी चीज़ है। तब पता चला कि वो हीरो हैं, फिल्म में काम करते थे, तब मुझे एहसास हुआ। फिल्म को जिंदगी का लक्ष्य मान चुके लेख ने डायरेक्शन की ओर ध्यान दिया। सांवला रंग और परफेक्ट पर्सनैलिटी ना होने की वजह से उन्होंने अपना हुनर कैमरे के पीछे ही दिखाने का इरादा कर लिया। अच्छा, फादर वांटेड मी टू बिकम अ सिविल इंजीनियर, आई वांटेड नॉट टू बिकम अ फिल्म डायरेक्टर। मैं क्योंकि मुझे पता लगा मैं शक्ल तो मेरी है ही नहीं अच्छी, हाउ कैन आई बिकम एन एक्टर, एक्टर तो हो ही नहीं सकता मैं। अच्छा, फिर दूसरा और काम का हो सकता है। मैं फिल्में देखी, टू अमेरिकन फिल्म आई सॉ एंड नेशनल वेलवेट वॉज द फर्स्ट अमेरिकन फिल्म आई एवर सॉ इन माई लाइफ, दैट वॉज द वेरी फर्स्ट फिल्म ऑफ एलिजाबेथ टेलर, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर इधर आए लाहौर में पिक्चरें देखनी शुरू की, तो उसमें से मुझे ये हुआ कि आई विल, हिंदी फिल्में देखी थी मैं, जेके नंदा जी की एक फिल्म देखी, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं कहा आई नॉट बिकम ए डायरेक्टर। बेटे की सिनेमा में बढ़ती दिलचस्पी देख एफसी टंडन ने पृथ्वीराज कपूर को लेटर लिखकर लेख को आरके फिल्म्स ज्वाइन कराने को कहा। मेरे फादर ने चिट्ठी भेज दी पृथ्वीराज जी के, उनके सेक्रेटरी थे रमेश सहगल थिएटर के, और बाद में बड़े डायरेक्टर बने। वो भूल ही गए जाना, इतने बिजी थे, ही नेवर टुक माई लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ VJTI कॉलेज, दे रिप्लेस समबडी। जब मैं पहुंचा, उन्हें पापा जी मुझे लेके गए, वो कहने जी वी हैव रिप्लेस, वी आर टू लेट, यू हैव नॉट गिवन एनी इंटीमेशन। तो क्या इंटीमेशन, वो पापा जी को बाद में पता चला कि उन्होंने जो चिट्ठी नहीं भेजी, मैं बच गया। पृथ्वीराज कपूर से मुलाकात के बाद लेख को साल 1948 में राज कपूर के निर्देशन में बन रही फिल्म आग में बतौर कैमरा असिस्टेंट का काम मिला। On 17th September I landed in Bombay and ड्राइवर था पृथ्वीराज जी का भाग सिंह, वो मुझे लेके आया। मैं नहाया वहाया, बाथरूम से बाहर निकला तो सामने पापा जी खड़े, बाथरूम, और फिर राज जी खड़े,
बोल भाई क्या बनना है? मैं कहा जी मैं एक्टर बनेगा, तुम थिएटर में मेरे साथ चल। हैं, मैं कहा जी मैं एक्टर नहीं बनना चाहता, ना मेरी शक्ल है ना मेरी अकल, मेरे को कोई दम नहीं है। आई वॉन्ट टू बिकम डायरेक्टर। यू आर ए साइंस स्टूडेंट, पापा जी सेड, तेरे तू कैसे बन सकता है? लिटरेचर की सेंस ही नहीं है तेरे को, तू क्या बनेगा ज़िंदगी में? राजू इसको ले जाओ और कैमरा डिपार्टमेंट में डाल दो। हम चल पड़े। 2 बजे आई वॉज ऑन द सेट वर्किंग एज एन असिस्टेंट टू रेडी कैमरामैन, एंड आई माई जॉब वॉज ऑन टू द राइट फोकस एंड पीप थ्रू द लेंस एंड राइट हाउ मच इज द ड्रॉ, हाउ मच इज द लेंथ। एक कैमरामैन के रूप में लेख का करियर फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया, लेकिन शायद लेख जो तमन्ना लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आए वो तमन्ना उनकी पूरी नहीं हो पाई। फिल्म आग ने उनके अंदर की आग को और भड़का दिया। लेख ने डायरेक्टर बनने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए और कई डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर काटे, लेकिन कहीं बात बनी नहीं। And now, as the picture finished, Rajsav were going to start a film later. तो उन्होंने उनसे मैंने कहा कि राजेश मैं तो डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। कहने आई स्टार्टेड माई कैरियर विद केदार शर्मा जी, आई टेक यू देयर। वहाँ गया तो केदार शर्मा जी ने जाते ही कहा, राजू आई कॉन्ट टेक एनी बडी बिकॉज सेवंथ असिस्टेंट ऑलरेडी, आई कॉन्ट टेक वन मोर, देन देयर विल बी टाइम, आई विल टेक, फिर देखेंगे, फिर देंगे। वो मैं कहा ये कब होगा, तो हम तो उदास हो गए। वो मैं महेश कौल जी के पास ले गया। महेश कौल जी के पास मैं तो पिक्चर ही क्यों नहीं बना रहा, तो मैं क्या करूँ इसका। वो फिर वापस आ गए तो उन्होंने मुझे लेबॉरेटरी में डाल दिया। लेटर गया तो रंजीत लेबॉरेटरी में मुझे असिस्टेंट बना दिया उन्होंने। लेख के लाख चाहने के बावजूद उनका करियर पटरी पर नहीं आ सका। लेख ने आरके फिल्म्स के लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में काम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही रंजीत लाइब्रेरी में असिस्टेंट की नौकरी छोड़कर उस समय की हिट फिल्म नीलकमल और बावरे नैन के निर्देशक और लेखक केदार शर्मा के साथ सहायक निर्देशक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। मैं आगे काम शुरू किया। काम शुरू किया तो ऐसे टाइम गुजरा, ही ट्रीटेड मी लाइक ए सन। माई पे वॉज 80 रुपीज, लेकिन ही ट्रीटेड मी बेटे से कम नहीं, बड़ा ख्याल रखते थे मेरा, बिकॉज आई एम रिलेटेड टू पृथ्वीराज कपूर, आई एम रिलेटेड टू राज कपूर हु वॉज हिज असिस्टेंट, नाउ ही वॉज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तो बड़ी उन वजह से, उन लोगों से मुझे भी कदर कुछ लोग मिली, जो मैं इस काबिल या इस हक में था, मेरे हकीक नहीं थी, मेरी मैं इस काबिल भी नहीं था। केदार शर्मा के साथ ही काम कर रहे गीता बारिक को रोज एक शॉर्ट फिल्म की कहानी सुनने पर 1 रुपए मिलने के लालच ने कैसे लेख की लेखनी को सुधार दिया, ये वाकया भी अपने आप में बेहद खास था। लेकिन एक लकी चीज थी, वहाँ गीता बारी जी काम कर रहे थे। गीता बारी जी वहाँ आए एक दिन, तो शर्मा जी नहीं आए थे, तो हम लोग बैठे थे, तो मैं फेवरेट था शर्मा जी का, ये उसको पता था गीता जी को, तो मैं तो 1 करोड़ रुपया दूँ तो क्या करेगा, मैंने सोचा मैं स्टूडियो बनाऊँगा, मैं स्टूडियो बनाऊँगा, मैं थिएटर करूँगा, इक्विपमेंट खरीदूँगा, मैं फिल्म प्रोड्यूस करूँगा, फिल्म डायरेक्ट करूँगा। बड़ी खुश हुई, कहना कल से तू मुझे एक कहानी अगर शॉर्ट स्टोरी सुनाएगा, हर कहानी का 1 रुपया दोगे। उस लालच में, उनको कहानियाँ सुनाने के चक्कर में, मैं ओ हेनरी पढ़ लिया, मुपासना पढ़ लिया, मैंने उस ज़माने में इनको भी पढ़ लिया, बेदी साहब को भी पढ़ लिया, उस ज़माने में मैंने कृष्णचंद्र जी को पढ़ लिया, उस ज़माने में मैंने, तो मैं इम्प्रेस करने में उनको गीता जी को। पृथ्वीराज राज साहिब के चहेते लेख टंडन केदार शर्मा के भी पसंदीदा डायरेक्टरों में से एक बन गए। इस बीच डायरेक्शन के गुर सीख रहे लेख केदारनाथ के विचारों और लेखनी से इस हद तक प्रभावित हुए कि उनके अंदर एक डर सा समा गया, डर उस मुकाम पर खुद के ना पहुंच पाने का, डर का साया इस कदर उनमें समाया कि वो अपनी नौकरी भी छोड़ बैठे। रिजल्ट ये हुआ, जब एक दिन आया मैंने कहा राज साहब केदार शर्मा से, राज मैं काम नहीं करूँगा। कहने भी मैंने तुझे को मारा, को गाली दी, जी नहीं गाली गाली नहीं, आपने कुछ नहीं दी, मैंने तेरे बच्चे की, हाँ मैंने साहब यू ट्रीटेड मी लाइक योर ओन सन, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर जा क्यों रहे हो, मैं तेरी पगार बढ़ा दूँ? मैं जी नहीं, क्या फिर क्या है? मैं कहा ये है कि मुझे एहसास कमतरी होता है कि मैं किसी का भी, आपकी मौजूदगी में मैं ज़िंदगी में डायरेक्टली नहीं बन पाऊँगा, आप जैसा आदमी तो बन ही नहीं सकता, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ जहाँ मैं, मुझे लगे मैं कुछ कर सकता हूँ, सीख सकता हूँ, जो थोड़ा सा नकम्मा हो हाँ पड़े। उन्होंने मुझे एक पगार दी एक्स्ट्रा बोनस, अपनी पोइम्स की किताब दी बोनस, मैं निकला बाहर,
निकला, बाहर निकलते ही मुझे नौकरी मिल गई। लेकिन निराशा के भंवर में लेख ज्यादा वक्त नहीं डूबे रहे। जल्द ही उन्हें SL धीर के निर्देशन में बन रही फिल्म बहु बेटे में काम करने का मौका मिला, लेकिन प्रोड्यूसर से पैसे ना मिलने की वजह से वहाँ भी निराशा ही मिली। तो मैं उस वक्त असिस्टेंट भी कर रहा था, धीर साहब की ही पिक्चर बन रही थी बहु बेटी, और उसमें हमने काम किया। वो हम सब काम करते थे उसमें, लेकिन पगार कोई नहीं मिलती थी। पगार इसलिए नहीं मिलती थी, जो फाइनेंशियर था वो इंश्योरेंस कंपनी का मालिक था, जो घटिया सी इंश्योरेंस कंपनी थी। और आखिरकार पिक्चर कंप्लीट की, पिक्चर रिलीज हुई, हमने फिर प्रोड्यूसर से पैसे मांगे, पैसे दें। उसने कहा पैसा वैसा कुछ नहीं, 100 रुपये ले लो। और 3-4 हज़ार पगार निकलती मेरी, तो 100 रुपये लेके हम भागे, करेंगे क्या, खाएगा कौन, मरेंगे कैसे। हमें वो जगह छोड़नी पड़ी। संघर्ष से जूझ रहे लेख को आर के थिएटर्स में काम करने का मौका मिला। राज कपूर के निर्देशन में साल 1953 में बन रही फिल्म आहा में महज 80 रुपये की तनख्वाह पर काम करना लेख ने मंजूर कर लिया। तो आखिरकार एक दिन मैं तंग आके मैं आई वॉक्ड इनटू आर के स्टूडियो, वेंट टू राज साहब। राज साहब ने स्टूडियो बना लिया, अपना स्टूडियो हो गया, और पिक्चर उस वक्त आ चल रही थी। हाँ, तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग इन आर के। था मैं सेकंड असिस्टेंट उस वक्त, पहले टू बिगिन विद, लेकिन त्रिपाठी साहब करके उनके चीफ असिस्टेंट, जब वो भागे तो मैं तब बना। हाँ, मैं करते करते काम आया। सिनेमा की धूल से धुंधला हो चुका लेख का भविष्य देख पिता FC टंडन ने बेटे को घर वापस बुलाना ही मुनासिब समझा। मेरे फादर ने कहा यू कांट डू एनीथिंग, यू कम बैक। मैंने तुम्हारे लिए एक केमिकल शॉप खरीद ली है इन लाजपत नगर मार्केट, वेयर यू विल बी केमिस्ट। आई हैव गॉट द लाइसेंस फॉर यू एंड यू ओपन द केमिस्ट शॉप। लेकिन घर बुलाने से पहले उन्होंने एक आखिरी उम्मीद के साथ बेटे को 25,000 रुपये का चेक भेज दिया। पता लगा मेरे फादर का चेक आ गया 25,000 रुपीज का। इफ यू वॉन्ट टू बिकम ए डायरेक्टर, दिस मनी आई हैव फॉर यू, बी ट्राई एंड देन इफ यू कांट देन कम बैक। मैं कहा वाह, मेरा बिगिनिंग कैरियर का शुरू हुआ। तब लेख ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी किस्मत 25,000 के चेक से अचानक बदल जाएगी। एक ऐसे करियर की शुरुआत होगी जहां नाकामयाबी से दूर दूर का नाता नहीं होगा। एक दिन एक आदमी आ गया मेरे घर खाना खाने, शशि भूषण। मैं कहा आप शशि इधर कैसे आना हुआ। मैंने कहा वो यार मैं एक पिक्चर बनाई थी, लिखी थी यार, से बंद कर दी गुरुदत्त ने, गुरुदत्त प्रोड्यूसर था। गुरुदत्त ने कहा ये पिक्चर सेंसर ही नहीं हो सकती, बाकी पास ही नहीं होगी, सेंसर बोर्ड ने उनको कह दिया। आधी पिक्चर एक रील शूट की, पिक्चर बंद हो गई। मेरे को गधे को कुछ नहीं पता, उन्होंने कहानी सुनाई, मैं कह मेरी। उसने 5,000 रुपये दिया, वो 5,000 रुपये लेके चलता बना। साल 1962 में लेख के निर्देशन में बनी पहली हिंदी फीचर फिल्म प्रोफेसर के बाद लेख ने सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी, जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर को ढूंढने की जद्दोजहद हो या फिर एक्टर शमी कपूर के तीखे तेवर, सबको लेख ने पीछे छोड़ आगे बढ़ते चलने का फैसला किया। ये फिल्म लेके सुरेंद्र कपूर, अनिल कपूर का बाप, मेरे को लेके गया FC मेरा के पास। FC मेरा ने कहानी सुनी, उसने पिक्चर साइन कर ली, एंड देर वॉज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन शमी कपूर एंड FC मेरा कि 3 रील के बाद, 2 सेट के बाद मुझे निकाल देंगे। वो हुआ, शूटिंग हुई, 3 रील होगी, मुझे FC मेरा ने बुलाया, यार सेट। मैं कहा मेरा साहब आपने पिक्चर देखी, रशेस देखे क्या, कहता यू वर्क इज नॉट गुड, माई एवरीबडी हैज सीन एंड देयर इज नो गुड। शमी ने बीच में बड़े पंगे डाले, कुछ नहीं हुआ, पिक्चर रिलीज हुई है, उसने डिस्ट्रीब्यूटर तक पंगे किए। डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा अगर एक फ्रेम भी इसका ही रहा गया हम पिक्चर नहीं लेंगे, पिक्चर हैज टू बी रिलीज एज इट इज, फिर देखने वाला नहीं। फिल्म प्रोफेसर से लेख को मशहूर लेखक अबरार अलवी का साथ मिला, जिनके साथ ने लेख को स्क्रिप्ट राइटिंग के टिप सिखा दिए। अबरार जैसा राइटर ना इंडस्ट्री में भी हुआ है, उससे बड़ा कुछ नहीं हुआ। इतना मेथोडिकल, इतना सिस्टमेटिक, इतनी अच्छी करेक्टराइजेशन, इतना अच्छा प्लॉट और सस्पेंस क्रिएट करने वाला, जिससे मैंने सीखा। मैं अगर फिल्म राइटर, मैंने 8-10 फिल्में लिखी, अगर मैंने लिखा है तो मैंने अबरार से सीखा है। लेख का फिल्मी करियर पटरी पर आ चुका था, बड़े बड़े स्टार को उन्होंने अपनी फिल्म में कास्ट करना शुरू कर दिया था।
60 के दशक में लेख ने सुनील दत्त और वैजयंती माला की जोड़ी को अपनी फिल्म आम्रपाली के लिए कास्ट किया। ये फिल्म इतनी हिट हुई कि लोग आज तक उस फिल्म को भुलाई नहीं भूलते। वैशाली जीत गए। मैं अभी एक शादी पे गया दिल्ली। जब मैं शादी के अंदर घुसा, बोली औरतें मेरे पाँव हाथ गए, बड़े पाँव में मुड़े मिडिल एज पीपल मेरे ठग रहे, कहते यार क्या पिक्चर बनाई आपने अमर वाली, वाह वाह वाह। मेरे को कॉन्फिडेंस आया, किस पोजीशन पे अमर पाली है आज, किस पोजीशन। इट गेव मी लॉट ऑफ क्रेडिट। द क्रेडिट गोज टू भानु जी, आफ्टर भानु जी वैजयंती माला, आफ्टर वैजयंती माला मेरा हीरो, जो आज तक लोग याद रखते हैं। मैं कितना शुक्रगुजार, मैंने उनको लिया, मैंने धर्मेंद्र को नहीं लिया, मैंने उनको लिया तो मैं देखने मौका। साल 1966 में आई फिल्म आम्रपाली से लेख को डांस टीचर गोपी कृष्णा, म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथई का साथ मिला। ये सब कुछ ऐसा था जिसे लेख आज तक नहीं भूलते। मेरी तकदीर देखो, ऊपर वाले की मेहरबानी होती है जिसे कहते हैं। मेरे साथ आखिरकर साहब आ गए, मैंने उनको रिक्वेस्ट की वो काम कर रहे, वो आर के में थे आर्ट डायरेक्टर, और उधर मुझे भानु अथैया मिल गई। भानु अथैया के बारे में दो चार लफ्ज बोलना चाहता हूँ। ऐसी कोई औरत ड्रेस डिज़ाइनर ह्यूमन बींग पैदा नहीं। मेरी फिल्म बनाने में मेरा काम डिज़ाइन करने में आश्चर्यकर साहब, भानु अथैया, गोपी कृष्ण। एक मंझे हुए डायरेक्टर के तौर पर लेख की पहचान इंडस्ट्री में पुख्ता हो चुकी थी। 60 से 70 के दशक में लेख ने झुक गया आसमां, प्रिंस, जहां प्यार मिले और आंदोलन जैसी हिट फिल्में दी। इसके बाद लेख ने राजश्री प्रोडक्शन का रुख किया, जिसने लेख की लेखनी हो या फिर डायरेक्शन, दोनों को एक नया मुकाम दिलाया। साल 1977 में आई फिल्म दुल्हन वही, जो पिया मन भाई ने लेख को फिल्म फेयर का बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिला दिया। दुल्हन वही जो पिया मन भाई, जिसमें राजबाबू का और कमल बाबू का मैं बहुत बड़ा आसान मंद हूँ। सेठ जी तो मुझे चाह ही रहे थे, सेठ जी को तो मैं पसंद आ ही गया था। सेठ जी ने कपूर साहब को बोला इसको तीन पिक्चरों के लिए साइन करना। फिल्म इतनी हिट रही कि करीब करीब सभी बड़ी शख्सियत ने थिएटर में जाकर मूवी देखी, चाहे वो फिल्मी बैकग्राउंड के शख्स हों या फिर गैर फिल्मी बैकग्राउंड के। टाटा जेआरडी टाटा तो लाइन में खड़े, क्यों खड़े हैं, टिकट लेनी है। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, मैं टिकट नहीं नहीं मैं टिकट मैं पिक्चर देख के आया, पिक्चर अच्छी, मैं आई वॉन्ट टू बाई इट फॉर माई स्टाफ। अमिताभ बच्चन साहब, अब उनको थिएटर में बोला तो पिक्चर देखने तैयार नहीं, राजशेखर के वो नहीं, उन्होंने जाके थिएटर में पिक्चर देखी। ये फिल्म लेख के दिल के बेहद करीब है, आज भी वो इस फिल्म से जुड़े वाक्य को भुलाई नहीं भूलते। चाहे फिल्म का स्क्रीन प्ले हो या फिर डायलॉग, लेख पहली बार में ही राज कपूर से वाहवाही बटोर ले गए। पिक्चर जब मैंने पूरी लिख ली, तुम फर्स्ट मीटिंग के लिए मैं कमल बाबू राजबाबू के कमरे में हूँ, गए सारे छः आदमी इकट्ठे बैठे, तो मैंने सुनाया। 15 दिन के बाद मैं तैयार हो गया था, सन्नाटा अंदर कमरे में, राजबाबू के कमरे को बात ही नहीं कर रहा। डरते डरते मैंने सेकेंड हाफ भी सुनाया, तो राजबाबू ने ख़त्म होने के बाद पूछा, कपूर साहब आपका क्या ख्याल, कहते ये तो कहानी नहीं है जो हमने इनको दी है बनाने के लिए, ये तो समझ ही नहीं आती क्या है। उसके बाद जकी से पूछा, कहते मैं दो बार रोया, मैं हंसा, उनको भी बता दी। वो उठ गए राजबाबू, मैं उठा, मेरे से हैंड शेक, वी आर मेकिंग दिस फिल्म, आई कैन नेवर फॉरगेट राजबाबू, ये फिल्म बनेगी, जाओ इसके डायरेक्ट लिख के लाओ। 80 के दशक में लेख ने श्रद्धा, खुदा कसम, दूसरी दुल्हन, अगर तुम ना होते जैसी फिल्मों का निर्देशन कर उन्हें हिट किया। साल 1983 में आई फिल्म दूसरी दुल्हन की कहानी एक मराठी प्ले पर लिखी थी। तो एक दिन मेरे घर में एक राइटर आ गया मराठी, उनका नाम इस वक्त जा रहा हूँ, मेरे जबान से जा रहा है, तो उसने उसका प्ले चल रहा था, मैंने प्ले देखा, उसने मैं आई वांट टू मेक दिस फिल्म, तो प्ले मेरे को उन्होंने पूरा दे दिया मराठी में, हिंदी करवा के, तो मैंने उनको पैसे वैसे भी दिलवा दिए। साहब वो प्ले था दूसरी दुल्हन। फिल्मों में अपनी सफल पहचान बनाने के बाद लेख ने सीरियल का रुख किया, यहाँ उनका एक और हुनर नजर आया। रेवती शरण शर्मा की रचित फिर वही तलाश के जरिए लेख ने न सिर्फ अपने निर्देशन की काबिलियत दिखाई बल्कि एक्टिंग भी की और छोटे पर्दे पर भी लोगों का दिल जीत ले गए। आई मेड द फर्स्ट
सीरियल रिटन बाई आई मीन रेवती सरन शर्मा एंड स्टार्टेड देयर बट देयर वर गुड पीपल ऑल्सो देयर बैड पीपल ऑल्सो आई मेट ए गुड मैन कॉल रेवती सरन शर्मा वेरी वेरी गुड मैन मैं क्या सीरियल का जिक्र करूँ लोगों ने कैसे कैसे बिहेव किया मेरे साथ क्या क्या हुआ आई वेंट डाउन इन माई ओन स्ट्रेचर इन माई ओन माइंड आई वेंट डाउन तो बीवी ने हाथ पकड़ा बड़ी अच्छी बात लगी कहने एक बात कहूँ मैं कह दिया मैं कहता आप टीवी छोड़ दो तो मैंने उस वक्त तो उसको खुश करने के लिए कह दिया हाँ बाद में पटाखे ले जाऊँगा मैं दिल्ली उसको अपने साथ जो पहले एक बार कोशिश कर चुका था उस दिन से ये हो गया कि आई विल नॉट डू द सीरियल्स दूरदर्शन का चर्चित सीरियल लेख नहीं बना इस सीरियल में लेख ने शाहरुख खान को पहला कास्टिंग ब्रेक दिया था जी नहीं मुझे नहीं चाहिए शुक्रिया पीजिए ना बन बाबू घर की बनी है माँ कहती है पीजिए क्या नाम है आपका बबना बबना थैंक यू बबना एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने आया था उसने उसको मैंने कहा इसको भी रोको उसके लंबे लंबे बाल कटवाओ तुम काम करो काम करने के बाद पिक्चर से फिर दूसरा भी सीरियल किया है और सीरियल क्या तो आदमी चला तो अपने लिए चला अपनी मेहनत से बना ना अगर बॉम्बे आ गया फिल्म लाइन में आ गया तो अपनी मेहनत से आ गया ना आज वो इतना बड़ा एक्टर बना तो अपनी मेहनत से मेरी वजह से तो नहीं आया हाल के दिनों में लेख बॉलीवुड में एक्टिंग करते हुए नजर आए रोहित शेट्टी की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के दादा का रोल हो वो दूसरों के हैं अपनों के नहीं सौ का होने वाला हूँ 100% की बात करूँगा सोचता हूँ मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा राहुल अरे नहीं दादाजी ये लो मैं भी जाने की बात करने लगा लेख ने अपनी मौजूदगी हर किरदार में छोड़ी लेख के फिल्मों के लिए ये चाहत ही है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही फिलहाल लेख अपनी अपकमिंग फिल्म दिल नादा के लिए काम कर रहे हैं मैं कहानियाँ कितनी छोड़ दी हैं जो कि मेरे असिस्टेंट याद दिलाते हैं जो मेरे साथी याद दिलाते हैं कहते हैं फलानी कहानी तो आपकी मेरे पास है अभी मैं जो पिक्चर बना रहा हूँ दिल नादा एक हंसते खेलते परिवार के साथ जीवन बिता रहे लेख फिलहाल दिन की शुरुआत अपने दोस्तों को मॉर्निंग मैसेज सेंड करके करते हैं किताबें पढ़ना अच्छी फिल्म देखने के साथ फिल्में लेखन करना लेख की दिनचर्या में शामिल है सिनेमा और सीरियल में एक लंबा अरसा बिता चुके लेख आज अपनी जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं।